छोड़ दो, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मेरा परिवार और मेरे गांव वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरी स्कूटर ही मिली थी क्या टक्कर मारने के लिए? हे, इसे टक्कर नहीं बोलते, इसे प्यार से किस करना बोलते हैं। हे, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। हाँ, कौन ज्यादा बोल रहा है? कॉलेज में आते मुझे 6 महीने हो गए, तब से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। ए, अगर आइंदा मेरी स्कूटी के आगे पीछे नजर आए ना तो काट डालूंगी। काटने के बाद उस पर मिर्ची भी लगाऊंगी, समझ गए? अरे बाप रे, लड़कियां इतनी भी खतरनाक होती है क्या? ए, ये देख, ये वीडियो आजकल बहुत वायरल हो गया है। हाँ, देखा कौन सा? जरा इसे तो देखो। क्यों परेशान हो रहे हो प्यारे? मुझे भी दिखाओ ना। मैं कह रहा हूँ ना, वो लड़की तुम्हारी ही होकर रहेगी। हाँ, अच्छा, तू इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकता है? अरे, मुझे पता है, मुझे सब पता रहता है। आखिर वो कैसे? ए, चुप रहना यार। अच्छा ये बता, तू रामू के बारे में जानता है ना? हाँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? संध्या कौन है? कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, लकी है ये तो है। आखिर वो कौन है? वो हमारे कॉलेज के मूर्खों के हेड है। अब दीक्षा संध्या से भी ज्यादा खूबसूरत है। नियम के अनुसार उस रामू से एक झटके में प्यार हो जाना चाहिए। हाँ, 100%। हे, बस करना यार। अच्छा तो बताओ, हमारे रामू से भी ज्यादा मूर्ख कौन है? ओ, ओ, मैंने तुझसे कहा ना बकवास बनकर। अरे यार, इसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है। अरे तू जानता है ये क्या बोल रहा है? मतलब कि मैं ऐसा नहीं है यार, तुम एक बुद्धिमान मूर्ख हो। ए धरती के बोझ, चल उठ। मुझे धरती का बोझ बोला? सिस्टर, एक छोटा सा डाउट है। क्या है? आप इस कॉलेज की ब्यूटी है या नहीं? क्यों, तुझे कोई शक है क्या? बात ऐसी है, अगर आप कॉलेज ब्यूटी है तो फॉर्मूले के हिसाब से आप हमारे दोस्त के प्यार में पड़ सकती हैं।
है? अरे वो कोई कॉलेज की ब्यूटी नहीं है, वो जो पीछे वाली है ना, वो उससे ज्यादा खूबसूरत है यार। क्यों गुस्सा दिला रहा है मुझे? बहुत आदमी है तुझे, समझा ना? क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? दीक्षा ये बताओ कि तुम पटोगी कैसे? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मान क्यों नहीं रही हो मेरी बात? 3 महीने में एग्जाम खत्म हो जाएंगे। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, मान जाओ ना, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये मत सोचो कि मेरा तरीका पुराना, अगर मेरे 3 गिनने तक तुमने ये गुलाब ले लिया तो मैं सोचूंगा तुम मान गई हो, नहीं तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। कौन थी वो लोग? I love you, Arjun. I love you. वो तुम्हें मारना क्यों चाह रहे थे? क्या चल रहा है ये सब? Arjun. I love you, Arjun. खाले। थैंक्स भाई। ए, अबे बस कर। अच्छा ये बता, ये लड़कियां इतना सारा बकवास करती हैं, फिर भी हर साल फर्स्ट रैंक कैसे लाती हैं यार? अरे यार तुझे नहीं पता है भाई, इन लड़कियों का फंडा एकदम क्लियर होता है, ये किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं होती हैं, तुझे पता है? ये दीक्षा भी ऐसे ही है, क्या वो फर्स्ट रैंकर नहीं है? क्या हुआ तुम्हें? पिछले दिनों दूसरे नंबर पे थी वो, अब घमंड देख लो इसका। ऐसे लोगों को ना भगवान ही सबक सिखाते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। दीक्षा नालायक कहीं का, कितनी बार बोला तुझे, मेरे बारे में बहुत मत किया कर, बहुत कमेंट पास करते ना, बहुत ही कहीं का, मार डालूंगी मैं तुझे, सच में मेरे हाथों मरेगा तू, समझा ना, अपना मुंह बंद रखा कर, फिर बोलेगा? हाँ बोलेगा फिर से? घुसा भाई इसके मुंह पे। क्यों भाई, किस सवाल का जवाब मांग रहे थे? ज्यादा बकबक करने का यही नतीजा होता है। ये अच्छी फोटो है, देखो। ये तो मानना पड़ेगा कि अपना अर्जुन बहुत लकी है यार। वो कैसे बताना? मतलब दीक्षा ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, अब पता चलेगा कि अर्जुन कितना प्यार करता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सच में मैंने उस दिन उससे कहा था,
अगर वो प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उसे कॉलेज की ब्यूटी नहीं माना जाएगा। दीक्षा। अरे भाई मना किया था ना, मना किया ना मेरे बारे में बात करने के लिए, मना किया था ना, कहीं के यारा है तू मेरी जिंदगी की कहानी, तेरे बिना ना जी पाऊं अब मैं रानी, तेरे ही नाम पे अपनी की जवानी, फिर चलो क्या हो जाए हमसे नदानी, ओ यारा मेरी तू कितनी भोली, तेरे ही संग दी तेरी जिंदगानी, ओ यारा मेरे साथ ना छूटे। ओ महेश बाहर क्यों आया है, तो अंदर जा, जाने बे तू, जा जाना, ओ जाना तुझे दिल से माना, ओ प्रिया दीवाना है तुझ सा कोई अब कहां, तुझे ही है चाह, तू ही दिल तो है मेरा, यार तू मुझको जैसे मुझे रब है मिला। कैसे खेल रहा है यार तू? अब सही जगह लगी है ना? हे तू ठीक तो है? तू ठीक है ना? क्या दुश्मनी है? तुम लोगों ने मेरी हर प्रॉपर्टी तोड़ डाली। क्यों? और कुछ भी तोड़ना है? नहीं सब तो टूट गया है। ए, चल अंदर चल, चल भी कॉल लगा के ना वापस जोड़ दूंगा। हेलो, अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? ओह गॉड, बाइक भी मैंने सर्विसिंग के लिए दी है, अब क्या करूं? हेलो अर्जुन, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने तुम्हारी लवर दीक्षा को किडनैप कर लिया है। hey, कौन है तू? क्या बात कर रहा है? अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो हम कहते हैं, वरना उसके टुकड़े टुकड़े करके पेट्रोल डाल के जला देंगे। ये सच है या झूठ? मुझे एक बार दीक्षा से बात कर लेना चाहिए। Please try again later.
क्या है? रूम में बहुत कॉकरोच है मैडम, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या रात के अंधेरे में जब लड़के तुमसे मिलने आते हैं तब तुम्हें डर नहीं लगता? जो यहाँ कर बोल रही हो कि कॉकरोच से डर लगता है, चलो जाओ और जाके अपना काम करो। दिमाग खराब कर दिया इसने। दिमाग खराब हो गया इस औरत का। मैडम क्या काम है बताओ। अर्जुन दीक्षा है क्या? नहीं, रात में बोलकर गई थी कि कोई इमरजेंसी है, उसकी स्कूटी भी खड़ी है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं मैडम, वो जब लौटे तो मुझे कॉल करने को बोले। ठीक है। क्या करूं अब मैं, पुलिस को इन्फॉर्म करूं क्या? कौन है तू, क्यों किडनैप किया उसे? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुमने पुलिस या मीडिया को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो हम उसके टुकड़े टुकड़े करके पेट्रोल। मेरी बात सुनो, जैसा कहोगे वैसा करूंगा। वेट करो, मेरी कॉल का वेट करो। हेलो हेलो। दीक्षा को बचा लीजिए भगवान। बम बम बोले जंबो जंकरा, बम बम बोले जंबो जंकरा, बम बम बोले जंबो जंकरा, बम बम बोले जंबो जंकरा। क्या बेटा, लगता है तुम मुसीबत में हो। मुसीबत और दर्द हमेशा के लिए नहीं होते। कई सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं पर उनका जवाब मिल नहीं रहा है। हमारे जीवन में आने वाले हर सवाल का जवाब अवश्य होता है, बस उसका पता लगाने की जरूरत होती है। अगर मुझे जवाब ना मिल पाए तो? जन्म का समय होता है और मृत्यु का भी समय होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता है, इसीलिए तुम समय का इंतजार करो। सही समय आते ही तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। शंभो शंकरा, शंभो शंकरा, शंभो शंकरा। हेलो, तुम्हें अपने सामने एक पान की दुकान नजर आ रही है? हाँ नजर आ रही है। वहां जाओ और एक काला बैग मांगो, वो तुम्हें दे देगा। काला बैग। देखने की कोशिश मत करो, उस बैग को लो और उस पान की दुकान के पास एक बार में आ जाओ और मेरा कॉल डिस्कनेक्ट मत करना। सामने एक टेबल नजर आ रही है? हाँ नजर आ रही है, वहां कोई बैठ के पी रहा है। तो जाओ उसके पास जाओ। ए, जाके एक बोतल लेके आ। हे hey.
मैं तुझे जानता तक नहीं हूँ तो मारूं क्यों? उससे बहस मत करो, दीक्षा अभी भी मेरी हिरासत में है, भूलो मत, जो कहा वो करो। तू अभी गया नहीं क्या? मैंने बोला ना एक बोतल और लेके आ। क्या सोच रहे हो, उसे मारो। ये क्या बच्चों की तरह मारा है, उसे जोर से मारो, उसके दांत उसके मुंह से बाहर आ जाने चाहिए। सिर्फ इसके ही दांत, तेरे दांत भी। ए प्रकाश, क्या पका रहा है? चिकन नहीं, अब सिर्फ हेड कड़ी बनेगी। मैं इसका सर धड़ से अलग करके ला रहा हूं। कौन है तू? मुझसे क्यों लड़ने आया था? तुमने चाकू क्यों निकाल लिया? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो प्लीज। बता मुझे क्यों मारा? बैग में चीज रखी है, उसे बाहर निकालो, जल्दी करो। तुमने मेरी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, मेरी जान खतरे में है। किससे बात कर रहा है तू? कौन है वो? जल्दी निकालो, सोच कर रहे हो, जल्दी निकालो, जल्दी। इसमें तो गन है। किससे बात कर रहा है तू? मेरी बात सुन, अगर तुमने उसे गोली नहीं मारी तो वो तुम्हें चाकू से मार देगा। सोचो मत, गोली मारो उसे, गोली मारो, मैं कहता हूँ।
कौन है रे वो? जल्दी करो। मारो उसे। तुम्हें पता है तुमने क्या करवाया आज? आखिर कौन हो तुम? अर्जुन, अर्जुन, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज हेल्प मी। दीक्षा, कैसी हो तुम? कहाँ हो तुम? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे काट डालूंगा। पता है मुझे कि तुम उसे जान से मार दोगे। एक दिन में तुमने मेरी लाइफ, हे, तुम्हारी वजह से मैंने आज एक की जान ले ली। बताओ और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें अभी दो और हत्याएं करनी है। क्या दो हत्याएं और? मैं नहीं करूंगा। किसी को बचाने के लिए मैं किसी को मार नहीं सकता। मैं नहीं करूंगा ये। तुझे जो करना है कर ले। चाहते कि पुलिस तक पहुंचे तो मेरा कहा मानो, वरना समझ लो क्या हो सकता है। बोलो, अब किसकी बारी है? अब तुमने अच्छे बच्चों वाली बात की, मेरे कॉल का इंतजार करो। से मारना है मुझे। ये धागा कैसा है? मेरी माँ ने बांधा है इसे। वो कहती है कि मुझे बुरी आत्माओं से खतरा है, तो ये धागा मुझे उन बुरी शक्तियों से बचाएगा, पर तुमसे मैं नहीं बच पाई। दोबारा ऐसा बोला तो मार दूंगा। चलो चलते हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? दीक्षा को किसने किडनैप किया होगा? ये किडनैपर मेरा इस्तेमाल दूसरों को मारने के लिए क्यों कर रहा है? क्या किडनैपर और मेरा कोई पुराना नाता है? इन सब सवालों का जवाब मुझे क्यों नहीं मिल रहा? तुम्हें यहाँ से कोई जवाब नहीं मिलेगा बेटा। अहम ब्रह्मास्मि, जाओ जुगाड़ बंगले में जाओ, वही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे। क्या तुम्हें अपने सामने एक ऑटो गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ। उसका पीछा करो। ठीक है। Thank you.
आंटी का पीछा करो। आंटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, कहाँ चली गई होगी? बेवकूफी मत करो, उसे ढूंढो। आंटी दिखाई दी कि नहीं? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो तुम्हारा दूसरा टारगेट है। आंटी को मार रहा है? क्यों? मैं औरत को नहीं मार सकता। तुम्हें इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगना चाहिए, बस उसे मारने की सोचो, क्योंकि वो औरत नहीं है। क्या तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा। घबराओ मत, आखिर बात क्या है बताओ मुझे। ए, तू मुझे मारने आया है? मुझे कोई नहीं मार सकता। उसने उसे मार डाला। हाँ चल पुलिस को बताते हैं, चल, ए, चल, चल, चल। उसने उसे मार डाला, चल हाँ, पुलिस को कंप्लेन करते हैं। चल 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 चल, चल। सुनो, जब मैंने आंटी को मारा, दो लोगों ने मुझे देख लिया था। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? फिर भी अच्छा यही है कि तुम इस वक्त शहर से दूर ही रहो। जुपाड़ू बंगला गांव जाओ और वहां के सरपंच के घर पहुंचो और उन्हें बताओ कि तुम बालू के दोस्त हो, वो तुम्हारे रहने का इंतजार कर रहे। हेलो, जाओ जुगाड़ बंगले में जाओ, सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा।
तुम कौन हो? अर्जुन, बालू का दोस्त। के दोस्त हो, लेकिन हमने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सुनिए, आप बालू के दोस्त हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका और किस काम से आए हैं? कितने दिनों का काम है यहाँ? कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितने दिन रहना है। और पिताजी, हमारे बालू के दोस्त हैं पिताजी, हमारे साथ रहने दीजिए ना प्लीज पिताजी। ठीक है, इसे ऊपर भेज दो। छत पर आइए। मालिक, उस पर नजर रखना और लड़की का ख्याल रखना। जरूर मालिक। बच्चों, ध्यान से खेलो वरना गिर जाओगे। वो देखो, वो मेरे चाचा हैं। नमस्ते। वो मेरी आंटी हैं। ये यहाँ के बच्चे और ये भी मेरी आंटी हैं। मुझे भी खेलना। हाथ पर वो कट कैसा है बेटा? थोड़ी खरोच आ गई थी। थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए ना बेटा, थोड़ी खरोच नहीं बहुत बड़ी चोट लग रही है। देखकर लगता है कि किसी ने मारा है। अरे तुम्हें तो सब कुछ पता है। तुम आओ अर्जुन, तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, मुझे रास्ता दो, हटो, जाने दो। ये कुछ तो दाल में काला है, मैं देखता रहूंगा। देख कर चलना, चोट न लग जाए। आराम से देख कर आना। हाँ, ये देखो तुम्हारा कमरा, आराम से यहाँ रह सकते हो, बैठ जाओ। अरे अरे, देखो तो कितनी ज्यादा चोट लगी है तुम्हें, अपना ध्यान रखना चाहिए ना। ठीक है, एक मिनट रुको। मैं ही तब से बात कर रही हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों इतने शांत हो। वैसे ये चोट तुम्हें कैसे लगी? बस अभी हो जाएगा, तुम्हें तो बहुत चोट आई है। कैसे लगी ये चोट तुम्हें? इतना ठीक है ना? मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। सुनो, किसी को बताया मैं यहाँ छुपाऊं तो मैं छोड़ूंगा नहीं, समझे ना, ध्यान रखना। अब कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। यस। हे, छुपना है तो ठीक से छुपो ना, सिर्फ चेहरा छुपा लिया बाकी सब कुछ दिख रहा है, क्या है ये? ये सजावट, सजावट। ओए, मैंने कहा था पर तुमने ध्यान नहीं दिया ना, अब तुम गए काम से। बड़ा ये बंगला, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस गांव से मेरा कोई नाता है,
लगता है जैसे मैं अपनी जिंदगी अपने प्यार से मिलने वाला हूं, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? अगर होगी तो कैसी होगी? दीदी वो देखो शहरी चूजा। वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुझे तो लगता है किसी की गम में बैठा है। अच्छा तुम्हें तो सब कुछ पता है ना? चलो चलकर देखते हैं। आओ 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 जल्दी आओ। अरे ये तो सिगरेट भी पीता है। हाँ हाँ दीदी। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। अरे तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। क्या? एक बार में समझ नहीं आता, सिगरेट पीने से केकड़े खराब हो जाते हैं। क्या बोला? केकड़ा? अरे इसका मतलब फेफड़े। क्या ये सब? इन्हें तुमने ही ट्रेनिंग दी ना, तुमने ही सिखाया ना सब। अरे हम लोगों को आज उसने बहुत दौड़ाया, हमें भी कुछ करना चाहिए। सही कहा, ये ठीक रहेगा। ये देखो मेरे हाथ में क्या है। क्या है आदि? जमाल घोटा। क्या जमाल घोटा? खाना खाने के बाद यहाँ सब लोग छाछ पीते है ना, तो अर्जुन की छाछ में इसे डाल दूंगा मैं। वाह क्या दिमाग है। यस चलो अब हम उसे बाथरूम दौड़ाते हैं। माँ तुम दिन भर कितनी मेहनत करती हो, मुझे दो ना मैं सबको बांट दूंगा। नहीं बच्चों मैं सब काम कर लूंगी। मान जाओ ना माँ, मैं कर दूंगा ना माँ। नहीं बच्चों ये सब मेरे काम है, तुम सब जाओ खेलो। अरे सुब्बा लक्ष्मी तुम्हारे पति ने मुझे यहाँ भेजा है, वो है ना वहाँ अंताक्षरी खेल रहे हैं, बोल रहे हैं मेरी बीवी को भेजो। सच में अंताक्षरी खेल रहे हैं? फिर तुम अच्छे से सब में बांट देना, हम चलते हैं। ठीक है माँ। दीदी सब लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं, चलो चलकर खेलते हैं। ठीक है। भर दो पूरा। हाँ एकदम ऊपर तक, कम ना पड़े। ये लो। क्या ये? छाछ है। बहुत टेस्टी है ये। किसने बनाया इसे? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना। इसके बाप ने। अरे ये क्या है? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अरे ये गुड़गुड़ क्यों चालू हो गई है? कूल कूल। लगता है नहीं मानेगा। बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, क्रीम बिस्किट खाते हैं और मस्ती। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? हम सब लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं, आप भी हमारे साथ खेलो ना। क्या मैं अंताक्षरी खेलूं? वो भी अभी, मैं नहीं खेल सकता, आप लोग खेलिए। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, एक बार गाकर देखो। इन्हें कैसे बताऊं कि मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकता हूँ।
प्लीज आंटी मुझे जाने दीजिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक गाना गाना पड़ेगा, कोई भी गाना गा सकते हो। अब गा भी दो ना बेटा, गाओ ना बेटा। गाता रहे मेरा दिल, बाथरूम ही तू ही मेरी मंजिल, कभी छूटे ना ये रातें, कभी बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। बहुत हुआ बेटा, अब तुम जा सकते हो, चलो जाओ। अरे यार। कब तक तुम ऐसे ही इस कमरे में बैठे रहोगे? हाँ चलो तुम्हें गांव दिखाती हूँ, चलो ना। अरे चलो ना प्लीज। अरे उन्हें देखो, संत है वो। आओ अर्जुन। आप प्रणाम बाबा जी, क्या आप मेरा भाग्य बता सकते हैं? तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान होने का समय आ गया है, अच्छे दिन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप अर्जुन का भाग्य बता सकते हैं? आओ अर्जुन। मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता। क्या? सुनो, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल है, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। देवी से प्रार्थना करो और आगे बढ़ो, अगर देवी चाहेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं। सुनो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि भगवान ने तुम्हारे बारे में मुझे क्या बताया। अपनी रानी की तलाश में तुमने दो लोगों को मार डाला, लेकिन तुम्हारे हाथ अभी भी साफ हैं और तीसरे की तलाश में तुम छुपे छुपे फिर रहे हो और सही समय का इंतजार कर रहे हो। या तो तुम उसे ढूंढ लोगे या वो तुम्हें पकड़ लेगा। आराम से देख कर अर्जुन। अर्जुन वो देखो, छोटी भेड़ है वो। हाँ देख रहा हूँ मैं। पहले कभी देखा नहीं होगा ना। दादी। 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 चलिए। इधर आइए, आराम से बैठिए, 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 आराम से बैठिए। यहाँ आसपास कोई अस्पताल है क्या? नहीं है अर्जुन। ठीक है, मेरे बैग में कुछ टैबलेट्स हैं, मैं इन्हें ला करके दे देता हूँ वो। क्या तुम डॉक्टर हो अर्जुन? नहीं, जल्दी बन जाऊंगा। अर्जुन मुझे कुछ बताना है। बताओ। इस गांव में बहुत मरीज हैं। अगर तुम सभी लोगों की सेवा करना चाहते हो तो हमेशा के लिए यहाँ सेटल क्यों नहीं हो जाते? गलत है ना, कोई किसी को ऐसे ही कैसे मार सकता है? अर्जुन तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? ऐसे लोगों की तुम्हारे हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए? कुछ पूछ रही हूँ, बताओ ना अर्जुन। मार डालूंगा। यस, तुम सही
सही कह रहे हो, ऐसे लोगों को जान से मार देना चाहिए। अर्जुन, आज मेरी बड़ी बेटी की पुण्यतिथि है, तुम हमारे साथ आकर बैठो। ये घर के लोग और वैशाली मुझे बहुत परेशान करते हैं। मुझे जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। हेलो, तीसरा आदमी तुम्हें जिसे मारना है वो गांव के पास से खाली पड़ी बिल्डिंग में तुम्हारे हाथों मारने का इंतजार कर रहा है। इस आखिरी टारगेट को मार दोगे तो मैं दीक्षा को छोड़ दूंगा। जा रहे हो? मेरे जाने का समय आ गया है, मैं जा रहा हूं। मत जाओ ना।
क्या हो रहा है? वो तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? अर्जुन, हर रोज वो मुझे टॉर्चर करते, उन्हें मार डालो अर्जुन। कौन है वो? दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थी। कांग्रेस त्रिपुरा, इस Thank बार you. भी तुम कॉलेज में फर्स्ट आई हो। दीक्षा तो इस साल सेकंड रह गई। क्या दीक्षा, तुमने तो कहा था कि इस बार तुम फर्स्ट आओगी। ओहो, मुझे भूख लगी है, चलो ना कुछ खाते हैं। बहुत मेहनत की थी मैंने, मुझे लगा था इस बार मैं ही फर्स्ट आऊंगी। बैड लक, तुम हर बार फर्स्ट कैसे आ जाती हो? हाँ, तुम पढ़ने के लिए मेहनत करती हो और मुझे पढ़ाई से प्यार है। यहाँ तक कि मैं इन रैंक के भरोसे नहीं रहती, मेरा काम है अच्छे से पढ़ना और परीक्षा देना, बस यही मेरा लक्ष्य है जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। जानती हो मुझे मेडिसिन से प्यार है, शायद इसीलिए मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ। त्रिपुरा, तुम भी आज ही जा रही हो क्या? मेरे डैडी 2 दिन बाद मुझे लेने के लिए आएंगे, तब तक मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। त्रिपुरा, 2 दिन और यहाँ रुक जाओ ना। मैं नहीं रुक सकती यार, मेरे गांव में सब बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो ना। वाओ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। एक और आइडिया है, बस में बहुत थकान हो जाती है, सेल्फ ड्रिवन कार लेकर जाते हैं ना। ओहो, कार किस लिए, हम बस से तो जा सकते हैं ना। नो वे, पहली बार गाँव जा रही हूँ, पूरा सफर एंजॉय करना चाहती हूँ। कौन समझाए तुम्हें, चलो। कहो अंजया, यहाँ कैसे आना हुआ? मालिक, हमने सुना कि कॉलेज की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो हमने सोचा एक बार चल के मिल लें। वो अभी तक आई नहीं है, वो कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएगी। अभी उन्हें और कितने दिन तक कॉलेज जाना पड़ेगा? ज्यादा नहीं, बस 1 साल और। केवल 1 साल के अंदर हमारी ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये सिर्फ हमारी समस्या नहीं है, आसपास के 7 गांवों की समस्या है, जिसके निपटारे के लिए सरकार कोई भी कदम नहीं उठाती, लेकिन उनके परिवार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया। हम आपके और आपके परिवार के लिए आभारी रहेंगे मालिक। दीदी, हाँ? तुम्हारी फैन फॉलोइंग तो बढ़ती ही जा रही है। ओहो, ये लोगों का प्यार है, फैन फॉलोइंग नहीं है। ठीक है दीदी, लव यू, बाय। अच्छा ठीक है, बाय। क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? तुमने घर पर बताया कि मैं भी साथ में आ रही हूँ? नहीं यार, मैंने कुछ नहीं बताया। तुम्हें कार मिली क्या? हाँ, मिल गई, एक स्पोर्ट्स कार, माय फेवरेट कार। चलो चलाकर देखते हैं। ओहो, तुम और तुम्हारी कार। अच्छा चलो। मेरी दीदी वहाँ से चली तो गई, पर कभी वापस नहीं आ पाई, सिर्फ उसकी लाश मिली। उसमें मेरी क्या गलती थी? मुझे भी त्रिपुरा की मौत का दुख है, समझी? मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुझे याद है ना कि तूने क्या किया है? चल ठीक है, मैं याद दिलाती हूँ। तूने ही मेरी दीदी का खून किया है। ओहो, कार से क्यों, हम बस से भी तो जा सकते हैं ना। नो वे, जर्नी ऐसी होनी चाहिए जिसे हम कभी भूल ना पाए। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। दीदी, हाँ? तुम्हारी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। ओहो, ये लोगों का प्यार है, फैन फॉलोइंग नहीं है।
ठीक है, तुम वहाँ से निकली या वहीं पर हो? अभी नहीं, हम बस निकलने ही वाले हैं। मेरे साथ दीक्षा भी आ रही है। अच्छा ठीक है, तो फिर जल्दी निकल जाओ ना। चुप, गुस्सा क्यों हो रही है? दीक्षा हमारे घर आकर सबको सरप्राइज देना चाहती है, और तू है कि चाहती ही नहीं है कि वो आए। तुम लोगों पर ये सरप्राइज सूट नहीं करता। हाँ अच्छा सर, ठीक है, बाय, दीक्षा आ रही है। ठीक है दीदी, लव यू, बाय। लव यू टू, बाय। हाँ हाँ चलो। हे भगवान, इन्हें तो बहुत चोट लगी है। सुनसान जगह पर ले जाकर जला डालो। ध्यान रहे कि किसी को हम पर शक ना हो। करने के लिए मुझे अपने कॉलेज में फर्स्ट आना था, पर हर बार त्रिपुरा ही फर्स्ट आती थी। मैंने उसे हराने की बहुत कोशिश की, पर हर बार मैं ही हारी। यस, अपना सपना पूरा करने के लिए मैंने ही त्रिपुरा को मार डाला था। तुझे क्या पता सपना देखना क्या होता है? हाँ मैं बताऊँ सपने का मतलब तेरे लिए क्या है? अपने मतलब के लिए किसी की भी जान ले लेना। तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी गलती की है? Ha ha ha!
आप ये बीड़ी क्यों पी रहे हैं? ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है पापा। ये एक दर्द है बेटी, तुम्हारे माँ के खोने का दर्द। भले ही माँ नहीं रही, मैं हूँ ना आपकी देखभाल के लिए। सुब्बैया क्या बताऊं मालिक, वही पुरानी कहानी। गांव में अस्पताल की सुविधा नहीं होने से शहर के अस्पताल तक पहुंचने में हमारे ज्यादातर लोग मर ही जाते हैं। अगर एक अस्पताल खुल जाता तो। हम बहुत पहले से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम थोड़ी सुविधाओं के साथ ही सही पर एक अस्पताल तो खुलवा दे, लेकिन किसी की बातों को इस तरह सुनना अच्छी बात नहीं है। पापा आपने बताया है कि लोगों के लिए जिंदगी जीना अच्छी बात होती है, मैं वो करूँगी जो समाज के लिए अच्छा होगा। तो समाज के लिए अच्छा क्या है? हमारे पड़ोस के गांव वालों को जो तकलीफ है उसका समाधान करना होगा। कोई सरकार आगे नहीं आएगी, इसका समाधान हमें खुद ही करना होगा पापा। और ऐसा कैसे होगा? मैं बनूंगी डॉक्टर पापा। सरप्राइज प्लान किया है पिताजी, आपको अभी नहीं बताएंगे। एक मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं देखता हूँ। ये पक्का त्रिपुरा का ही फोन होगा। हेलो, आप त्रिपुरा के पिताजी बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं त्रिपुरा का पिता ही बोल रहा हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊँ आपको। जो भी बात है बताइए। आपकी बेटी त्रिपुरा, किसी ने आपकी बेटी के ऊपर पेट्रोल डाल के। ये आप क्या बोल रहे हैं? सॉरी सर, किसी ने आपकी बेटी को मार डाला। क्या सर? हेलो 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 पिताजी
हमें उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मार डालना चाहिए। क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं है पिताजी? नहीं बेटी, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि उन्हें मारूं कैसे। मेरी दीदी के MBBS पूरा करने के बाद मेरे पिताजी गांव वालों की सेवा करने के लिए एक हॉस्पिटल खोल रहे थे, लेकिन अचानक से मेरी दीदी के मर जाने की वजह से हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन बीच में ही रोक दिया गया। तुम जिस जगह पे खड़े हो ना, वो हॉस्पिटल यही है, इसी सुनसान बिल्डिंग में। अपने मतलब के लिए सिर्फ एक लड़की को नहीं मारा इसने, बल्कि गाँव वालों और पिताजी के मन में जो भी उम्मीदें जगी थी ना कि अब उनका इलाज ठीक से हो पाएगा, वो सब तोड़ दिया इस लड़की ने। इसीलिए हमने मिलकर इसे मारने के लिए सोचा, मारने का प्लान बनाया, लेकिन उसी समय तुमने आकर उसे बचा लिया। Thank you.
हमें समझ में आया कि हमारी तैयारी काफी नहीं है। डर लग रहा है पिताजी, डर इस बात का है कि कहीं हम हत्यारों को सजा दे पाएंगे या नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा क्या होगा, लेकिन हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाले। भले ही हम दीक्षा को मार भी दे, पर बाकी के दोनों हत्यारों को भी तो सजा देनी होगी। कैसे मारेंगे? नहीं मारेंगे। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या हम इसके लिए किसी की मदद ले सकते हैं? इस तरह के मामले में कौन हमारी मदद करेगा? अर्जुन। पिताजी, अर्जुन हमारी मदद क्यों करेगा? हम उसे मजबूर करेंगे। कैसे? हम उसे ब्लैकमेल करेंगे। मेरी समझ में नहीं आया। हम उसे कैसे ब्लैकमेल करेंगे पिताजी? किडनैप करके। किसका किडनैप? दीक्षा का। यस। पहले दीक्षा को किडनैप करेंगे और फिर अर्जुन को बाकी हत्यारों को मारने के लिए मजबूर करेंगे। वैसे भी अगर दीक्षा हमारे कब्जे में रहेगी तो फाइनली उसे हम मार ही डालेंगे। हम उन्हें किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं जिन्होंने त्रिपुरा को मारा। हमें अभी इस काम पर लग जाना चाहिए और अर्जुन हमारा मोहरा बनेगा। फिर हमने तुम्हें मोहरा बनाने का फैसला लिया और बनाया भी, लेकिन बाद में जब हमने तुम्हें इतना परेशान देखा तो हमने सोचा कि हमें तुम्हें इस मामले में शामिल नहीं करना चाहिए था। पर तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, साथ ही दो लोगों ने दूसरा मर्डर भी देख लिया था। और फिर हमने सोचा कि तुम्हारे लिए बाहर रहना सेफ नहीं है, तो तुम्हें बालू के दोस्त के रूप में अपने घर पर रख लिया। हमने तुम्हें यहाँ के हालात और गाँव वालों की समस्याएं दिखाई। गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन किसी को मारना सही है क्या? तुम अपनी ही कही बात से पलट रहे हो। भूल गए कि इस तरह के लोगों की सजा के बारे में तुमने क्या राय दी थी मुझे? तुम क्या करते अर्जुन? मार दूंगा। यस, तुम सही कह रहे हो, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। वैसे वो बालू कौन है? बालू वो इंसान है जो पिछले साल दीक्षा की जाल में फंसकर मारा गया था, जिस इंसान के मर्डर की खबर हमने न्यूज में देखी थी, जिस इंसान की आज घर में पुण्यतिथि हुई थी, वही है बालू, बाला त्रिपुरा सुंदरी, मेरी दीदी। अर्जुन, क्या हुआ अर्जुन? वैशाली, वो दोनों हत्याएं मैंने नहीं की। ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? ये तुम्ही ने तो किया है ना? नहीं। तो फिर? मुझे लगा कि मैंने ही किया है, लेकिन दूसरे मर्डर के टाइम
फिर किसने किया ये दोनों मर्डर? बालू। बालू ने? तुम्हारी बकवास कहानियों पर तो मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ, और तूने मुझे बहुत परेशान किया, इसलिए तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, पर तुझसे पहले मैं अर्जुन, 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 अर्जुन ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य स्वार्थ से भरा हो तो उसका कोई मतलब नहीं। वैशाली,
ये काम रुकना नहीं चाहिए, वजह कुछ भी हो, लेकिन लोगों की सेवा करने का ये लक्ष्य कभी टूटना नहीं चाहिए, वादा करो। पापा का ख्याल रखना। एक बात पूछो। नहीं कुछ भी नहीं। वैशाली मैं तुमसे एक बात पूछूं, आज से बालू का सपना हमारा सपना होना चाहिए।